इंसान पर यकीन की कीमत उसकी अपनी जान थी और उसकी भी जो इंसानों से अनजान थी। आप कहते हैं अपराधी की जगह जेल होती है, लेकिन कई बार खुद जेल भी शर्मसार होती है। जेल की अपनी सीमा है, अपराध की भी कोई सरहद होती होगी। जेल की सिंकचें इन हदों के पार होने पर कसमसाती हैं। दुखों को सोखने की बर्दाश्त अब पार हो गई है। आप जेल को जेल ही रहने दें। ऐसे अपराधों के लिए किसी नई सजा को खोजिए, कुछ नई धाराएं। क्योंकि इन अपराधियों ने कहां पहली बार अपराध किया होगा। किस्तों में हो रहे अपराध छोटी छोटी परछाई बने होंगे और फिर मन का शैतान बड़ा हुआ होगा। कोरोना और काल जिन्हें सबक न दे सका हो, जेलें भी उन्हें क्या समझा सकेंगी, क्या सुधार सकेंगी। जेलें हार गई हैं, लेकिन इंतजार कीजिए, अपमान और धोखा लौट कर जरूर आता है। जहां कानून नियम और जेलें अशक्त होती हैं, वहां एक शक्ति होती है जो सबसे सशक्त होती है। वर्तिका नंदा। एक गर्भवती हथिनी की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई सबसे पहले एक ही सवाल पूछ रहा है कि वो कौन जालिम हो सकता है जिसने भूखी हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया और बेचारी गर्भवती हथनी तड़प तड़प कर मर गई। पहले आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता सुनाते हैं। यकीन मानिए, इस कविता को सुनकर आपका रोम रोम कांप उठेगा। बचपन में देखा था एक बड़ा सा जानवर, बड़ा था शरीर और बड़ा ताकतवर, लेकिन सबसे प्यारा और निराला था वो साथी। पापा ने बताया उसे बोलते हैं हम हाथी। हाथी मेरे साथी जैसी पिक्चर सबको भाती, फिर क्यों ऐसे जानवर की जान यूं ही चली जाती। खाना ढूंढती उस भूखी माँ ने फल को चबाया, इंसानियत के पटाखे ने उसके जबड़े को उड़ाया। मरते दम तक इंसान को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, उस बेजुबान ने असली मानवता का पाठ पढ़ाया। 3 दिन तक टूटे जबड़े खड़ी रही वो पानी में, अब क्या ही बताऊं तुम्हें उस माँ की कहानी में। फिर हथनी और बच्चा दोनों गए स्वर्ग से धार, बहुत बड़ा कर्जा हम पर हो गया उधार। इंसानियत तो मर गई, अब इंसान कहाँ बच पाएगा। कोरोना साइक्लोन भूकंप और बाढ़ ही तो आएगा, अभी संभल जाओ। पृथ्वी का ना अपमान करो, पेड़ पक्षी जानवरों सबका तुम सम्मान करो। समय बीत जाता है तो फिर लौटना आएगा, मगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 हर साल आएगा। इस कविता को मध्य प्रदेश के एक फॉरेस्ट रेंजर अधिकारी ने सुनाई है।